हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गोविंद है और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप टेनिस की बॉल से ऑफ कटर बॉल करा सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक फास्ट बॉलर हो और आपके पास काफ़ी अच्छी पेस है तो आप सभी जानते होंगे कि टेनिस क्रिकेट में हम पेस के ऊपर ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अगर आपको एक कम्प्लीट फास्ट बॉलर बनना है, कंप्लीट फास्ट बॉलर का मतलब ये होता है कि उसके पास एक अच्छी पेस भी है और उसके पास डिफरेंट टाइप के वेरिएशन भी होते हैं। तो अगर आपको टेनिस क्रिकेट में सर्वाइव करना है तो आपके पास पेस भी होनी चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके पास डिफरेंट टाइप वेरिएशन भी ज़रूर होने चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी फास्ट बॉलिंग में ऑफ कटर बॉल का कैसे यूज़ कर सकते हो। आप अपनी फास्ट बॉलिंग में ऑफ कटर का यूज़ करके विकेट ले सकते हो और अपने ओवर को सेव भी कर सकते हो और आप किसी भी बैट्समैन का माइंड डाइवर्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी ऑफ कटर में ग्रिप पोजीशन कैसी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपको अपने दो फिंगर को ऐसे बैंड करना है, फिर आपको बॉल को अपने दो फिंगर के बीच में ऐसे रखना है, फिर आपका थंब ऐसे रहेगा, फिर आपको अपने फिंगर की हेल्प से बॉल में ऐसे रोटेशन क्रिएट करना है लाइक दिस ऐसे। तो जितना आप रोटेशन क्रिएट करोगे उतना आपकी बॉल मूव करेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो एकदम सिंपल ऑफ कटर है। ऑफ कटर भी काफ़ी प्रकार के होते हैं, तो इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो एकदम सिंपल ऑफ कटर है। सिंपल ऑफ कटर में आप ऑफ स्पिन बॉल की तरह बॉल को ग्रिप करते हो, तो बस आपको एकदम सिंपली आना है और बॉल को ऐसे रिलीज़ करना है। आपको अपने फिंगर की हेल्प से बॉल में रोटेशन क्रिएट करना है। और एक और बात कि जब भी आप अपनी बॉलिंग में कोई भी वेरिएशन का यूज़ करना, तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, तो ना तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज और ना ही आपको अपने बॉलिंग एक्शन में कोई भी चेंजेस करने हैं। अगर आप अपने बॉडी लैंग्वेज और अपने एक्शन में कोई भी चेंजेस करोगे तो बैट्समैन आसानी से समझ जाएगा कि ये बॉलर कुछ डिफरेंट करने की सोच रहा है, फिर आप उस पर इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल पाओगे। तो आपको ये बात का हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी बात कि जब भी आप कोई भी वेरिएशन यूज़ करना, तो बॉल को अपने लेफ्ट हैंड में ऐसे कवर कर लेना है। बिकॉज फ्रेंड्स, अगर मैं ऐसे करके बॉलिंग कराऊंगा और अपने हाथ को मैं और अपनी ग्रिप पोजीशन को बैट्समैन को दिखाऊंगा, तो बैट्समैन पर मैं इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब वो मेरी ग्रिप पोजीशन को देख लेगा तो वो बैट्समैन समझ जाएगा कि ये बॉलर ये वेरिएशन का यूज़ कर रहा है, फिर आप उस पर इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल पाओगे। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप अपनी बॉलिंग में कोई भी वेरिएशन का यूज़ करना, तो बॉल को अपने लेफ्ट हैंड में ऐसे कवर कर लेना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।